एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई IVF जर्नी पर। आज जो है मेरा टॉपिक है कि आपको जो है बाहर से फास्ट फूड खाना चाहिए या नहीं, कितना खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, आपको गर्म चीज़ें खानी चाहिए या नहीं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत से क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि मैम हम ये खा सकते हैं या नहीं, वो खा सकते हैं या नहीं, तो उसे रिलेटेड मैं वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोज़ जो है प्लीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देखिए, मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है, मेरे हस्बैंड भी जैसे कमेंट्स वगैरह पढ़ते रहते हैं तो वो भी मुझे बताते रहते हैं कि आज जो है तुम्हारे सब्सक्राइबर ने ये पूछा। जैसे मेरे पास आते हैं कि मैम हम समोसा खा सकते हैं या नहीं, या मेरा गोलगप्पे खाने का बहुत मन करता है वो खा सकते हैं या नहीं, और आइसक्रीम खा सकते हैं या नहीं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, मुझे जब मैं ये क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अलग सा फील होता है, क्योंकि मुझे भी इस तरह की चीज़ें खाने का मन करता था लेकिन मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अवॉइड किया या आप लगा लीजिए ना के बराबर है। तो मैं अपने हस्बैंड को भी बल्कि अभी डांटती हूँ, क्योंकि अभी बच्चों को फीड कराना होता है तो ये चीज़ें वैसे ही बंद हो जाती हैं, बिल्कुल नहीं खानी होती हैं, और तब तक नहीं खानी होती जब तक बच्चे को फीड कराया, एटलीस्ट 6 मंथ तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक बच्चे खुद कुछ खाना नहीं शुरू करते हैं, क्योंकि अब 6 मंथ तक तो वो सिर्फ दूध पे ही रहते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि आपने मुझे पहले भी खाने नहीं दिया और अब भी नहीं खा सकती हूँ मैं। तो देखिए, इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। आपको मैंगो आप बोलें तो मुझे अब तीसरा साल है ये मैंगो खाए हुए, मैंने मैंगो को टच भी नहीं किया, खाना तो बहुत दूर की बात है। देखिए, आप IVF से रिलेटेड इतनी मुश्किल से आप बेबी ले रहे हैं, कितना फाइनेंशियली आप पर जो है, क्या होता है कि जब हमारा बेटा SCG पॉजिटिव आ जाता है, अल्ट्रासाउंड में हमें पता चल जाता है, तो हम इस चीज़ को नॉर्मल लेनी शुरू कर देते हैं। तो नॉर्मल मत लीजिए, टेंशन होती रहती है लेकिन इस चीज़ को हम नॉर्मल लेना शुरू कर देते हैं, हम कुछ भी खाना पीना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको बिल्कुल भी कोई भी गर्म चीज़ जिसका आपको ज़रा सा भी डाउट होता है ना कि ये गर्म है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको कोई ड्राई फ्रूट नहीं खाने, ड्राई फ्रूट्स आपको 9th मंथ पे जाके खाने हैं, आपको वो भी भिगोकर, मींस विंटर का टाइम था तब भी मैं उसको भिगोकर खाती थी, कि बिल्कुल भी वो मुझे चाहे वो था, लेकिन लास्ट मंथ में 9th मंथ के जब 15 डेज निकल गए थे उसके बाद मैंने इसको ज़्यादा जो गर्म चीज़ें होती हैं वो खानी शुरू की थी, देसी घी वगैरह खाना शुरू किया था। उससे पहले मैंने बिल्कुल कुछ नहीं खाया था। और क्या हुआ था कि वैसे भी मेरी जो प्रेगनेंसी था, मुझे इतना टाइम मिला ही नहीं था कि मैं वॉक कर सकूं या कुछ भी इस चीज़ को लेकर। वैसे तो मेरी पूरी प्रेगनेंसी 37 वीक में ही हो गई थी, लेकिन आपको कोई भी गर्म चीज़ नहीं खानी है, आपको कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने हैं, आपको बाहर से मैंगो, जैसे समर के डेज चल रहे हैं, आपको मैंगो बिल्कुल नहीं खाना है, आपको जो है पालक मेथी ऐसी चीज़ें अभी नहीं खानी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और आपको जो है फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाना है, समोसा बर्गर चाउमीन। देखिए, मेरा 5th मंथ के बाद, 5th मंथ तक तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे प्रेगनेंसी और मुझे कुछ अलग से खाने का दिल करेगा, 5th मंथ के बाद मुझे मीठा खाने का बहुत दिल करता था। अब मैं मीठा जब खाती थी, आप बोलोगे कि मेरे को कोई बना के तो देखता नहीं था आपने, अब मैं बनाती थी खाना भी, घर का काम भी अपने आप करती थी, तो कई बार मुझे बनाते बनाते रोना भी आ जाता था कि मेरे कोई ऐसे मुझे बना कर देने वाला ही नहीं है। तो मैं क्या करती थी 5th मंथ के बाद, जैसे मेरा बेसन के लड्डू खाने का बहुत ज़्यादा मन करता था, तो मैं अपने आप बना लेती थी उसको, मैं घर पे ही बनाती थी, मैं बाहर से बिल्कुल भी लेकर आती थी। और जैसे अगर समोसा बर्गर ऐसा चाउमीन ऐसी कुछ नमकीन खाने का तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता था, और मैंने अगर कभी मन भी करता था तो मैं बिल्कुल भी ही नहीं खाती थी। 9th मंथ के बाद अगर मुझे याद हो, अभी मेरी डिलीवरी को 2-3 दिन रहते थे, तब मैंने एक हाफ बर्गर ज़रूर खाया था, लेकिन उससे पहले मैंने 9th मंथ तक बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाई थी, क्योंकि अगर हम खाएंगे हमारा गला ख़राब हो सकता है, हमें स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर हमें मेडिसिन लेनी पड़ेगी जिसकी वजह से हमें दिक्कत हो सकती है अंदर बेबी को। तो वैसे ही हम इतनी, मैं आपको बार बार बोलती रहती हूँ, बहुत सारी मेडिसिन एक्स्ट्रा खा रहे होते हैं, ऊपर से और मेडिसिन खाएंगे तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने इस चीज़ का प्रॉपरली ध्यान रखा, मैंने बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज़ नहीं खाई। आप अगर आप मेरे से क्वेश्चन करते हैं तो उससे पहले आप खुद भी सोचिए कि इन चीज़ों को खाना जो है हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं। घर की बना हुआ ही खाना खाइए, रोटी खाइए, दाल सब्जी, अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए, फ्रूट्स मैंने बहुत ज़्यादा खाया है,
खाया है, फ्रूट्स खाइए, जूस पीजिए, इस तरह की समर है, जूस पीजिए, नारियल पानी पीजिए और इस तरह की चीज़ें खाइए। नारियल पानी भी आप जो है बॉटल वाला मत पीजिए, जो नारियल आता है उसको ही यूज़ कीजिए, उसका पानी ही पीजिए, बॉटल वाला नहीं। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप खाएंगे, अगर आपको कुछ खाने का दिल करता है तो आप घर में बना लीजिए। अगर कुछ ज़्यादा कहीं का, अब जैसे मेरा मीठा खाने का मन था तो मीठा घर पे बना लेती थी, अगर आपका कुछ नमकीन फास्ट फूड खाने का मन है तो आप घर पे बना लीजिए, वो भी ज़्यादा नहीं खाना है, बहुत कम, लिटल बिल्कुल, ठीक है। तो कभी कभी जो है इन चीज़ों को, अगर आपके स्टमक प्रॉब्लम होगी, आपको गले में प्रॉब्लम होगी और चीज़ों की प्रॉब्लम हो जाएगी तो आपको जो है मेडिसिन आपको खानी पड़ेगी, इसलिए आप उसको इस चीज़ को ही अवॉइड कर दीजिए जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। अपने बेबी के लिए आपको करना है तो ये आपको करना ही पड़ेगा। तो अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन होता है कि मैम ये खाना है नहीं, मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगी, लेकिन अगर एक छोटी सी वीडियो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही थी कि मैंने जो है ऐसी बिल्कुल चीज़ों को अवॉइड किया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं खाया। पूछते हैं कि मैम आपने खाया था या नहीं, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं खाया है, मैंने जो भी खाया है मैंने घर का बना हुआ ही खाया है। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे।